तो भाई साहब, अपने रूम में हम लोग धूप से अपना बचाव करते हुए, इधर हमारे फ्रेंड चिल मारते हुए और इधर हमारी श्रीमती जी पकोड़े मारते हुए। हाँ जी बोलिए। थक गया हूँ जी, 4 किलोमीटर ऊपर से पानी लेके आ रहे हैं हम। हाँ, जो हम लोग अभी भद्राज टेंपल होके आए हैं, वहाँ पर नहीं कर पाए क्योंकि शूट किया है मैंने। इन्होंने मुझसे कहा ना कि गोदी में रख लेना, 20 लीटर पानी गोदी में रख ले, मेरी गोदी डैमेज हो गई। ठीक है, अब गोदी डैमेज होने के बाद वो 5 लीटर की कह रही हूँ, और वो भाइयों ने हमारी बड़ी मदद की है, वो भी एक। हाँ, वो सामने 5 लीटर की कैनी लेके आए हैं। और अभी इधर पकौड़ों की तैयारी है, पकौड़े के बाद खाएंगे कड़ी पकौड़े, पकौड़े के बाद खाएंगे कड़ी पकौड़े और चावल। तो भाई, उधार मांगी हुई कढ़ाई पड़ोसियों से और उसमें हमारे अपने पकौड़े जलने जा रहे हैं, नहीं सड़ने जा रहे हैं, नहीं तलने जा रहे हैं शायद, सॉरी गलत हो गया, इतना कुछ हो गया। चलो, क्या बात है, जल रही है भाई साहब। 14 साल जॉब की मैंने लगभग, उसके बाद 2020 के एंड में जब कोरोना बहुत हाइप पे था, इटली का सुना होगा न्यूज़ आपने, जब बहुत ज़्यादा हाइप पे था तब हम लोग वहाँ से निकले थे। तब से फिर यही है बस घूम रहे हैं तब से। वहाँ इतनी मतलब हाइप क्रिएट हो रखी थी, वहाँ कोरोना हुआ नहीं हमें, यहाँ आया यहाँ पे हो गया, यहाँ आते ही स्वागत हो गया। यहाँ पे तो सब मतलब इतना झूठ है कि आप एक बार पहुँच के तो देखो, वहाँ पे हमें पूछे ही नहीं किसी ने, वहाँ से हम लोग सर्टिफिकेट तैयार करवा के ला रहे हैं कि हमारे सब टेस्ट हो रखे हैं, सब कुछ हो रखा है। यहाँ पे आए हो एयरपोर्ट पे, वो तो वेलकम कर रहा है हमारा, और न्यूज़ पे जब हमने घर पे देखा कि किसी को निकलने नहीं दे रहे, वो इतना झूठ बोल रहे हैं कि हम कोई बंदा निकल ही नहीं सकता, पता नहीं कौन सी स्कैनिंग करते क्या करते हैं। हम जब आए वो सामने तो हार लेके खड़े हैं कि जाओ, कुछ भी नहीं है जाओ। और एक आंटी जी मिली, उनके पास तो सर्टिफिकेट भी नहीं था, उनके पास कोई भी क्लियरेंस नहीं थी इंडिया में एंटर करने की। उन्होंने पता क्या किया, और वो देखो उनकी बड़ी एक बात फनी लगी, वो मतलब जैसे कहते ना कि बेटा मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, इस लहजे में उन्होंने मुझसे बात की। मैंने कहा, पंजाबी थी, मैंने कहा आंटी जी तुहाडे कोई क्लियरेंस वगैरह कुछ नहीं है कि तुसी मतलब बाहर कितना निकलोगे? तो कहती बेटा कोई गल नहीं, तुसी चलो। उनके वैसे घुटने उनके ठीक थे, वहाँ गई इतनी एक्सपर्ट है, 60 की एज होगी, वहाँ गई जो व्हीलचेयर वाला होता ना, 500 रुपीज़ ऐसे करके दिखाया उन्होंने, व्हीलचेयर वाला भागता आया, बैठी वहाँ पर, ठीक है, कोई क्लियरेंस नहीं कुछ नहीं, 1000 रुपया उसको दिया, सीधे जहाँ टैक्सी लगती है वहाँ, कोई अथॉरिटी नहीं रोक पाई उसको। फिर कहते हैं कोरोना हो गया। इस गाड़ी को तो हम ऐसे यूज़ करते हैं जैसे बैलगाड़ी नहीं होती है, इसमें जितने भी स्क्रैच पड़े हैं ये सब झाड़ियों के हैं, जो साइड पे ये झाड़ियाँ नहीं उग रखी होती हैं, ऐसी ऐसी जगह जाती है, सब स्क्रैच उसी के हैं। हमें तो बोनट दिखता है खाली, क्योंकि इसका बोनट लंबा है ना, तो जब ऐसे होती है तो ऐसे हमें आगे ड्राइवर को बोनट दिखता है सिर्फ। ड्राइव कौन करता है, आप? मैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें आगे तो देखना ही नहीं है, क्योंकि आगे दिख ही नहीं रहा, इतनी स्टीप रोड पे आगे नहीं दिखता, तो ये अपनी गर्दन उधर निकालती है, मैं इधर निकालती हूँ, बस ये देखना है कि खाई में टायर ना जाए। हाँ। ऐसे करते हैं ड्राइवर। सो गाइस, इस नज़ारे के साथ और इस ठंडे ठंडे मौसम के साथ जिसमें बहुत तेज हवा चल रही है, हमारे चौधरी जी यहाँ अपने टेंट के अंदर तैयार है अपनी किचन में कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए। पकौड़ा सिमरन चौधरी ने तैयार कर दिया है, चौधरी जी अब कड़ी तैयार कर रहे हैं। कड़ी तैयार करना बड़ा आसान है। हाँ। बस लस्सी अच्छी होनी चाहिए। मैं कड़ी में कुछ नहीं डालता, सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स बता दें। 136 साल पुरानी पहाड़ी से 136 मसाले उखाड़ के लाया हूँ, वो इसके अंदर आपके सामने डाल दिए, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। देख लो हमारे मसाले, 136 पहाड़ियों के 136 मसाले, हर पहाड़ी से एक मसाला उखाड़ के लाया हूँ। करता क्यों हूँ मैं, पहले डालता हूँ मिर्च, फिर डालता हूँ जीरा, फिर उसके बाद सीधे डालता हूँ क्या गई, हल्दी, ठीक है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पे, ये गई अपनी इसके अंदर हल्दी। ओहो, हल्दी तो उड़ गई, उड़नी थी हल्दी को, थोड़ा सा हम कर लेंगे सोटे, शैलो फ्राई, सोटे, ठीक है, इसको हम कहते हैं शैलो फ्राई करना। हाँ। ठीक है, हमारे स्टाइल में ये शैलो फ्राई होगी। हाँ। अब इसमें थोड़ी ये कड़ी है ना, कड़ी को थोड़ा सा शैलो फ्राई करते हैं। कड़छी उठाओ, कड़छी गिरेगी, नहीं गिरेगी नहीं, क्यों, ये देखो, मजा ही आ गया, क्या बात है, रंग देखो, आय है, ये वाइट और येलो और ग्रीन, बीच में ब्लैक ब्लैक, जीरा
कलर देखो, कलर मजा आ गया भाई, कलर देखो मल्टी कलर। हाँ। और कितनी सिंपल है, कुछ नहीं, लाइव वीडियो पे बन गई ना। हाँ। 136 प्रकार के मसाले और उसके अंदर लस्सी डाल दी है, थोड़ा सा मैदा डाला है। अगर ये लगेगी हमें पतली है तो मैदा नहीं, बेसन डाला, बेसन डाला है। अगर थोड़ी पतली हुई तो दोबारा वो कर देना, थोड़ा सा क्या बैटर तैयार कर देंगे बेसन का, बेसन जो भी है वो थोड़ा डाल देंगे, इसको थिक कर देंगे क्योंकि सदस्य हमारे ज्यादा होने वाले हैं। पकौड़े हमारे किधर गए, वो पीछे पड़े, ये रहे हमारी पकौड़े की कढ़ाई तैयार है पहले से, ये सारे अब हमारे पेट में जाएंगे कड़ी के अंदर मिक्स होके। तो गाइस, कैंपिंग सूत्रा बेचारा साइड पे बैठ गया, कैंपिंग सूत्रा की कार पे दिल्ली वालों ने कर लिया कब्जा, कड़ी हम लोगों ने रख दी है। अब नीरज जी कह रहे हैं कि भाई चावल मैं बनाऊंगा पर कैंपिंग सूत्रा की किचन में बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखो भाई, नीरज जी अपना नीचे सिटिंग अरेंजमेंट करके आराम से बैठ गए और ये आज एक्सक्लूसिवली इंजॉय कर रहे हैं कैंपिंग सूत्रा का किचन, और अपना एक्सपीरियंस बाद में शेयर करना। खाना तो टेस्टी हो गई, बनाने का एक्सपीरियंस शेयर करना कि इस गाड़ी में बना के आपको कैसा फील हो रहा है। बिल्कुल, इस यहाँ पे बना के एक बहुत बढ़िया और बहुत अलग सा फील हो रहा है क्योंकि सब कुछ जो है ना आपकी सिटिंग की रेंज में है। ये सबसे कंफर्टेबल चीज है, कंफर्टेबल चीज है कि आप कुर्सी पे बैठ के आप आराम से अपना काम कर सकते हो, थोड़ा बहुत सामान चाहिए यहाँ से कुछ भी अपना इजीली, सब कुछ रीच में है, मजा आता है ना। इसके साथ में एक अपनी वो टेबल है, टेबल लगा के बंदा आराम से परफेक्टली आप नहीं, जैसे आप तारीफ कर रहे हो ना ऐसे सेटअप की, तो जिस बंदे ने डीआईवाई किया, मैंने डीआईवाई किया ना, तो मेरे को वो सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ ये चीज प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। और खुद को बनाई चीज, जैसे कहते ना अपनी बनाई हुई चीज, किसी सिंगर से पूछो तुम्हारा फेवरेट गाना कौन है तो अपने सारे गाने उसके फेवरेट होते हैं कि उसने गाए हुए हैं, तो ये चीज बनाई है, किसी दूसरे से तारीफ सुनना तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये तो है, ये अपना लग रहा है इधर तड़का, नहीं उबाला आ रहा है उसको हमारी कड़ी को, और इधर नीरज जी तेल डाल दिया है, ये जीरा डाल के जीरा राइस बनाने जा रहे हैं कड़ी के साथ, जीरा राइस कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है। अभी फुड़फुड़ करके करेगा, हां फुड़फुड़ करा दो एक बार क्योंकि थोड़ा सा पानी भी है। अच्छा अच्छा, जीरा डालेंगे तो करेगा फड़फड़, कोई बात नहीं, जितनी मर्जी हवा चले जाए चल जाए, बुझेगा कुछ नहीं, बहुत सारी कवरेज दे रखी है। तो गाइज ये जीरे की तड़तड़ तड़तड़ करा दी है नीरज जी ने, अब इसमें सिंपल सी बात है, इसमें डालेंगे जाएंगे चावल, फटाफट डाल दें जल्दी, ले हवा बड़ी चल रही उड़ जाएगा सब कुछ लगता, ले आओ ले आओ। ए ओ भयंकर भयंकर, ये बड़ी जबरदस्त आवाज आती है ना, तो अभी वही डालते हैं इसके अंदर थोड़ी सी हींग, ऑलमोस्ट हमारी कड़ी हो गई है तैयार, ये लो जी। तो भाई अपनी कड़ी और चावल हो गए तैयार, तो सबसे पहले अपने पड़ोसियों को देने जा रही है, ये बच्चे सामान थोड़ा कम लेके आए थे तो जितना हम कर सकते हैं करते हैं, देखते हैं उनको पसंद आती कि नहीं पसंद आती। भाई नमक मिर्च कह देंगे उन, डाल लो अपने आप, कम ज़्यादा है ना, वो अपने आप देख। तो कड़ी चावल हैं ये, उनको देने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग अपना खाना खाते हैं। सो गाइस इंजॉय हो रहा है, नीचे मैट बिछा के गर्मा गर्म कड़ी चावल खा रहे हैं चौधरी जी और नीरज जी, और मैं शूट कर रही हूँ अपने चावल ठंडे करके। करना पड़ता है, एक यूट्यूबर को इतने सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। वो सैक्रिफाइस तुम क्यों नहीं करते, उस हर बार मैं करता हूँ, इस बार नहीं करता। नहीं, उसका कारण ये है कि तुम को हर चीज बिल्कुल उबलती खोलती पसंद है, इसलिए देखो अभी लड़ाई नहीं करनी मेरे साथ, इतना अच्छा व्यू है, लड़ाई नहीं करता ना नीरज जी, लड़ाई नहीं करनी है। बिल्कुल, इतना अच्छा व्यू देखो कितना जबरदस्त है, तुम्हारा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, आसपास दिखा दो एक बार। हाँ चलो सबको दिखा देते हैं एक बार, टेंट लगे हुए चारों तरफ, वो देखो वहाँ पे कुछ कॉलेज गाइज कैंपिंग कर रहे हैं, ये कैंप्स लगे हुए हैं और सामने अब पूरी तरह बादल आ चुके हैं, कोई पीक्स नहीं दिख रही हैं, नॉर्मल पहाड़ भी जो हैं वो भी छुप गए हैं बादलों के नीचे, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखो हमारी टार्प से आप अंदाज़ा लगा लो कितनी ठंडी हवा है ये देखो, और आप लोग अब इंजॉय करो ये ठंडा ठंडा मौसम, हम खाते हैं इस ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम कड़ी पकौड़ा। तो गाइस जैसा कि आपको पता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यहाँ पर आवश्यकता हमें है पानी बचाने की, यहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए नीरज जी क्या कर रहे हैं बॉटल में होल कर रहे हैं और उसको एक जैसे स्प्रे वाली होता ना स्प्रे सिस्टम बना के, तो हम लोग ये नीचे भाई एक बार देख लो जितने घर में बर्तन नहीं होते ना उससे ज़्यादा हैं, तो हम स्प्रे से साफ़ करने वाले हैं सिर्फ इसलिए कि पानी वेस्ट ना हो। ये देखो भाई सुराख हो रहे हैं बॉटल के अंदर, बोतल में तो जल्दी हो गया कितना कामयाब है ये,
बाद में दिखाते हैं आपको। तो इसको ना गरम करके क्या करेंगे, अंदर से सीख डाल देंगे ना, तो बिल्कुल इसकी कीप निकल जाती है पूरी। हाँ, गरम करने के लिए फिर इसको नहीं, सुराख कर लो, उससे पता लग जाएगा होता है कि नहीं। तो भाई इम्तिहान आ गई, अब होल तो परफेक्ट हो गया इसमें। हाँ, परफेक्ट होल है, क्या बात है। तो देखते हैं, चलो भाई सही है। पानी बचाने का नया नियोजन DIY कर दिया हम लोगों ने, जहाँ पानी की कमी हो। काम करता है कितना नहीं करता, फिर भी तो ज़्यादा यूज़ करते पानी। सही में। तो पहले तो स्क्रबर मार दो। सो लेट्स सी कि एक्सपेरिमेंट हमारा जो हमने किया है बोतल में छेद करके, वो आदमी बर्तन कैसे मांजते हैं, वो काम तगड़ा वाला किया हम लोगों, कामयाब होता है या नहीं। वैसे ये चीज हम नीरज जी से सीख रहे हैं आज, हाउ टू कंजर्व वाटर इन कैंपिंग। हैं पड़ोसियों की कढ़ाई सबसे पहले हम लोगों ने मांज दी है, सबसे पहले खाना भी उन्हीं को खिलाया। बिल्कुल, अब इन्हीं की कढ़ाई में हम शाम को दो के बर्तन चिकन बना देंगे। अब अगले सारे वेजिटेरियन हो तो ये तो पूछने वाली बात है, नहीं वेजिटेरियन होंगे तो हमारे पास दो कुकर प्रेशर है हमारे। हाँ, एक सिटी वाला, एक बगैर सिटी वाला। एक सिटी वाला, एक बगैर सिटी।